29/5/2022 सवेरे 9:30 बजे एक शेतकरी है जो बालकृष्ण पाटिल बोल के वो पुलिस स्टेशन में आया। उन्होंने मालूमात दी है कि जो खरडी की तरफ रोड जाता है और कुहार रोड पे कच्चा रास्ता है, कच्चा रोड है, और उसके बाजू में जो है एक ओवर ब्रिज है, उसके नीचे एक बॉडी है और बॉडी को उसको पत्थर से और फ्लोर ब्लॉक से उसको मार के उसका ब्लीडिंग है और मर्डर हुआ है, ऐसी मालूमात उसने पुलिस स्टेशन में दिया। उसके ऊपर से गुना रजिस्टर नंबर जो 160/22/302/396 ऐसा FIR दर्ज हो गया। हमारे वहाँ के रायगढ़ के सीनियर PI गावड़े साहब ने वहाँ पर उनके साथ उनके PI जो है मुजावर यादव मोहिते और API कापड़नीस हार्डेकर काले और चिटनीस, ऐसा तीन टीम बनाया। इन लोगों ने ऐसा सीरियस मर्डर है जिसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है और किस वजह से किया है वो कुछ मालूम नहीं था, इसके टीम बनाए। उसने सबने CCTV फुटेज देखा, उसके साथ में ओला गाड़ी थी, ओला गाड़ी जो बुक किया था उसके ऊपर से मोबाइल का कुछ मालूम लिया, उसकी ओला गाड़ी वहाँ पर थी, उसका नंबर था MA03CV7195। ये सब टोटली स्टडी करने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि इसमें 5 लोगों ने ये वारदात की है, उसमें से 4 लोग जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो है हसरुल्ला हलीम शेख, दूसरा है आतिश विनायक भोसले और तीसरा है ओंकार प्रदीप कास्कर और चौथा है जो प्रशांत देवराज पेरिया। ये चारों और एक बच्चा जो है वो नाबालिग है, 18 साल से उम्र कम है उसकी। ऐसा 5 लोगों को ताबे में लिया, 4 को अरेस्ट किया है। ये चारों को अरेस्ट करने के बाद 30 तारीख को उनको अरेस्ट किया था, आज कोर्ट में उनको दाखिल किया, 3 तारीख को उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। अभी इन्होंने और कुछ ऐसे गुने किए हैं क्या, उसके बारे में मालूमात लेने चालू है, और इनके ऊपर कोई ऑफेंस है क्या, ऐसे टाइप्स के गुनहगार है क्या, हार्ड क्रिमिनल है क्या, इसकी मालूमात ली जाएगी और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।